सो है गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। तो यार आ चुके हैं और एक नए वीडियो के साथ। एंड ये वाला वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप से फोटो एडिट करके दिखाने वाले हैं, जो दिखने में काफ़ी क्रिएटिव सा लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है। इसको बोलते हैं शैडो फोटो एडिटिंग। एंड ये वाला फोटो एडिटिंग करने के लिए हम पिक्सआर्ट ऐप की मदद लिए हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा होने वाली इंटरेस्ट, तो वीडियो को देखना आप लोग एंड तक। एंड चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर से करें। यहाँ पर आपको अच्छी एडिटिंग सीखने को मिलती है और मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड ये वाला बैकग्राउंड ले लेंगे हम। सो गाइस, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आ गया है। तो बैकग्राउंड लेने के बाद सबसे पहले इफेक्ट वाला ऑप्शन में आएंगे एंड इसको इसके कलर को चेंज करेंगे। तो फिर यहाँ पे कलर रिप्लेस आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसका कलर थोड़ा कुछ इस टाइप से ले लेंगे, शाम वाला कलर। एंड इसको सेव कर लेंगे। अगर सेव करने के बाद फिर ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और फिर अपना फ़ोटो ले लेंगे जो फ़ोटो को एडिटिंग करना है। तो गाइस यहाँ पे हमारा फ़ोटो आ चुका है एंड इसके बैकग्राउंड को कटआउट करना पड़ेगा हमको, तो कटआउट कर लेंगे। और आपको बैकग्राउंड भी लेना है, हम बता रहे हैं किस टाइप से आपको बैकग्राउंड लेना है। एंड सबसे पहले हम फ़ोटो को कटआउट कर लेते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड पूरा अच्छी तरह से कटआउट हो चुका है एंड इसको इस पर क्लिक कर लेंगे। सो गाइस सेव करने के बाद सबसे फिर पहले हम इफेक्ट वाला ऑप्शन में आएंगे एंड अपने फ़ोटो को शेडो करेंगे। इसको फ़ोटो को शेडो लाना है तो ब्लैक एंड वाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड फिर से इस पर क्लिक करेंगे एंड इस अमाउंट को ज़ीरो रख लेंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको हम कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। लगा लेने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। इसको बैकग्राउंड को कटआउट करना पड़ेगा, तो टूल्स वाला ऑप्शन में जाएंगे, फिर क्रॉप पे जाएंगे एंड इसको क्रॉप कर लेंगे, ऐसे क्रॉप कर लेंगे एंड इसके को सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। एंड सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा फ़ोटो शेडो हो चुका है एंड फ़ोटो भी लग चुका है। एंड इसमें कुछ हम PNG ऐड करने वाले हैं, कौवा का PNG एंड इसको सन का PNG ऐड करने वाले हैं। तो एंड PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो PNG ऐड करने के लिए सबसे पहले ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। वही सबसे पहले हम सन वाला PNG को ऐड करेंगे एंड नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन करने के बाद फिर क्रो वाला PNG पे जाएंगे, इसको भी ब्लेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करके इसको इस प्रकार से लगा देंगे एंड इसको फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो इसको गैलरी में सेव करने के लिए सबसे पहले ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा फ़ोटो पिक्सआर्ट से एडिट हो चुका है एंड इसको हम थोड़ा फ़ोटो को लाइट रूम से एडिट करेंगे ताकि देखने में खतरनाक। सो गाइस यहाँ पे हमारा फ़ोटो लाइट रूम ऐप के अंदर आ चुका है एंड इसको कुछ नहीं करना है, वो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको विंटेज को थोड़ा माइनस कर लेंगे, और कुछ नहीं करना है। विंटेज को कम से कम 43 के माइनस कर लेंगे एंड मिड पॉइंट को भी माइनस कर लेंगे, इसको 42 कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है, तो सेव करने के लिए इस पर क्लिक करें, सेव टू डिवाइस। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे रॉकस्टार एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।